नमस्कार दोस्तों, रिलीज के सिंडिकेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ करंट अफेयर्स में जो है आप लोगों को हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आइए एक एक करके हम उन घटनाओं को जो है देखते हैं। एक महत्वपूर्ण जो पहल प्रारंभ किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, जहाँ पर बुनकरों के लिए जो है बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की जो है स्थापना की गई है। तो इससे बुनकरों के संबंध में जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण हो सकेगा और उनके डिजाइन के क्षेत्र में, उनके कला के उत्कृष्टता के क्षेत्र में जो है और कुछ जो है संशोधन एवं संसाधन प्रोसेसिंग किया जा सकेगा। तो इससे उनके जो पहल होंगे या उनकी जो क्षमता योग्यता होगी उसको और भी पहचान मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये है बुनकर सेवा एवं डिजाइन, बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र, ये जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो है ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो बेसिकली ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिसे जानकारी में रखना जरूरी है। और दूसरा, हम राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में एक है मेहंदी लगाने की कला सुजात, सुजात ये मेहंदी लगाने की कला है। और इस मेहंदी को जो है अभी हाल में ही GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग, GI टैग प्रदान किया गया। GI टैग उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की उत्पत्ति को व्यक्त करते हैं और इस कारण से उनमें कुछ विशेष जो है गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं। इस कारण से उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने के कारण से उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान कर दिया जाता है। और यही जो है प्रदान किया गया है सुजात मेहंदी को GI टैग राजस्थान में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तीसरी जो है महत्वपूर्ण घटना, उड़ीसा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल का जो है, आकाश मिसाइल के अगले संस्करण का जो है परीक्षण किया गया है, जिसे आकाश प्राइम नाम दिया गया है। कोई भी चीज होता है उसके अगला संस्करण प्राइम या नियो या प्रो इस तरीके से होता है। तो इसे जो है आकाश प्राइम, इसे क्या कहा गया है, आकाश प्राइम कहा गया है, इसे आकाश प्राइम कहा गया है। और आकाश एक ऐसी मिसाइल है जो कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो मध्यम दूरी की रेंज को कवर करती है। बेसिकली भारत में जो है तीन प्रकार की मुख्य मिसाइलें हैं जो कि सतह से सतह, सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम होती हैं। तो पृथ्वी धनुष, अग्नि और अश्विन सौर्य, ये सब जो मिसाइल हैं ये सतह से सतह पे मार करती हैं। इसी तरीके से जो है आकाश और त्रिशूल, ये मिसाइल हैं जो सतह से हवा में मार करती हैं। अस्त्र एक ऐसा मिसाइल है जो हवा से हवा में भी मार करता है। बाद में तेजस और इसी तरीके से जो है पाइथन, अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल को भी जो है बनाया गया है। तो ये आकाश जो है मिसाइल का हाल में जो परीक्षण किया गया, जो ये उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है इसका परीक्षण किया गया है। तो ये न्यूज थी जो है प्रादेशिक स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग चलते हैं। यूरोप का वह कौन सा देश है जहां पर अभी हाल में ही महिलाओं की बहुमत वाले संसद का गठन किया गया है। महिला बहुमत वाली संसद, महिला बहुमत वाली जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद का जो है गठन किया गया है। और यह चूंकि लोकतंत्र से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए जितने भी मूवमेंट चलाए जा रहे हैं उन सभी के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो ये कहा जा सकता है। और वह देश है जो है आइसलैंड। आइसलैंड में यानी कि यूरोप में एक ऐसा देश है आइसलैंड। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार वह जो है शांति सूचकांक में भी जो है पहले स्थान पर रहता है। यहाँ एक ऐसा देश है बहुत ही शांत है, यहाँ पे जो है अपराध का स्तर बहुत कम है, यद्यप जनसंख्या भी यहाँ कम है, बहुत ही ठंडे प्रदेशों में जो है यह देश है।
तो आइसलैंड एक ऐसा देश बन गया है जो कि यूरोप में जो है महिला बहुमत वाली जो है सांसद का गठन करने में सफल रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी जो है हम यूरोप से ही जो है देखते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यूरोप का पहला देश जो कि समलैंगिक जो है विवाह को भी हाल में ही मान्यता दिया है। यूरोप में एक ऐसा देश जिसने हाल में ही समलैंगिक विवाह को भी जो है मान्यता दे दिया है, वो देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है यूरोप का जिसने हाल में ही जो है अभी समलैंगिक विवाह को जो है वो मान्यता दे दिया है। तो इस तरीके से कुछ विशिष्ट स्थितियां रही हैं जिनके संदर्भ में अलग अलग देशों में कुछ चौंकाने वाले निर्णय आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो समलैंगिकता एक ऐसा चर्चा का विषय रहा है जो कि हमेशा से विचारकों में, अलग अलग देशों में, संगठनों में इसकी चर्चा होती रही है। तो अगर इससे संबंधित कोई न्यूज आती है, कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई बिल पास होता है, तो वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो है यूरोप में जो है स्विट्जरलैंड में जो ये वैधता प्रदान की गई है समलैंगिकता को, उस कारण से ये भी जो है महत्वपूर्ण न्यूज बन जाती है। अगली एक महत्वपूर्ण न्यूज गुजरात के विधानसभा से आ रही है, जहां पर नीमाबेन आचार्य को जो है राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है। नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। गुजरात विधानसभा, तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अक्सर ये इस तरीके से सवाल परीक्षा में जो पूछे जाते रहे हैं, तो इन सभी सवालों को आपको कवर करना है, एक दो बार दोहराना है, जिससे ये जो है आपकी जानकारी में हो जाए। अगला एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हाल में जो गुलाब चर्चा में रहा है, क्या है गुलाब अभी हाल में ही जो है चर्चा में रहा है, ये क्या चीज़ है गुलाब जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो है आने वाले एक चक्रवात का नाम दिया गया है। तो ये जो है गुलाब उसको नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आज और कल की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं ये थी जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी। और इस तरीके की घटनाओं को पढ़ने, सीखने, एक संस्कृत विकसित करने का जो पहल आप लोगों के स्तर पे भी होना चाहिए, जिससे परीक्षा में आने वाले समय में पूछे जाने वाले सवालों को हर कल हर क्षमता एक आपके पास विकसित हो सके और आप परीक्षा में उन सवालों को हल करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो आज के लेक्चर में बस इतनी ही संक्षिप्त जानकारी। अगले लेक्चर में पुनः कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जो संकलन के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।